दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मरते हुए व्यक्ति और हारते हुए व्यक्ति अक्सर ही अपनी जुबान से सच बात बोल ही देते हैं। वही महाभारत के बारे में आप सभी लोग अवश्य ही जानते होंगे। जब भीम के वार से दुर्योधन को चारों खाने चित कर दिया गया था, तब भूमि पर अधमरे अवस्था पर पड़े दुर्योधन ने हवा में तीन उंगलियां उठाई। तो क्या आप जानते हैं कि ये तीन उंगलियां उठाने का क्या मकसद था और दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया था और उनका इशारा किस ओर था? अगर नहीं जानते तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुर्योधन ने क्यों अपने अंतिम समय में इन तीन उंगलियां उठाई थी और इन तीन उंगलियों का क्या मतलब हो सकता है। दुर्योधन ने मरने से पहले अधमरी हालत में श्री कृष्ण की ओर देखते हुए तीन उंगलियां दिखाकर इशारा किया था, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इसका मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ तीन गलतियां की थी, जिनके कारण वो युद्ध हार गया। अगर वो तीन गलतियां नहीं करता तो जरूर ही जीत जाता। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को न चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को यह विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को न चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती यह थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्र की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी तो उनका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके, मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेट कर अर्ध नग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिनके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मार गिराया जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन ने अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद इससे उनके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधु का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। अर्थात श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन तीन गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। दोस्तों मरने से पहले इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। मरने से पहले श्री कृष्ण उसके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी तीन उंगलियां दिखाते हुए उनकी ओर इशारा किया और अपनी गलतियों की व्याख्या किया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।